दोस्तों, खेल छोटा हो या फिर बड़ा, हार जीत तो होती है, लेकिन इसके बावजूद जो आखिर तक लड़े असली खिलाड़ी वही होता है। जी हाँ दोस्तों, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना ने शुरुआत में ही 3-0 से धमाकेदार शुरुआत की। हर किसी को ऐसा लग रहा था कि मैच अब खत्म हो गया है, अब तो अर्जेंटीना आसानी से जीत जाएगा, लेकिन काइलिन मेवापे डटे रहे। दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, 81 मिनट का मैच हो जाने के बावजूद भी महज 4 मिनट के अंदर अंदर ही 3 गोल करके एम्बापे ने पूरे मैच का रुख पलट दिया। आखिर में पेनाल्टी शूटआउट में भले ही फ्रांस हार गया, लेकिन एम्बापे के प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का दिल जीता। फाइनल में लगातार 3 गोल कर इतिहास रचने वाले इस शानदार युवा खिलाड़ी की कहानी और संघर्ष को शायद ही कोई जानता होगा। 24 वर्षीय काइलियन एम्बापे का जन्म 20 दिसंबर 1958 को पेरिस के एक कस्बे वांडी में हुआ था और इसी साल फ्रांस ने अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। काइलिन एम्बापे अपनी माता फाइजा एम्बापे और पिता विल्फाइड एम्बापे की पहली संतान थे। बदकिस्मती से एम्बापे का बचपन इतना भी आसान और खुशहाल नहीं था। आए दिन ही वांडी में वायलेंस और दंगे होते थे। 2005 में वांडी में हुए दंगे तो जग जाहिर है, जब हजारों की संख्या में लोगों के घर, दुकानें, गाड़ियां जला दी गई। As rioting continued into the early hours of the morning, the families of the dead teenagers. लेकिन इन सब के बावजूद भी एम्बापे के पिता ने उनके फ्यूचर पर इसका बुरा असर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एम्बापे की मां खुद भी एक हैंडबॉल प्लेयर थी और उनके पिता तो एक फुटबॉल कोच थे, और इन दोनों ने एम्बापे के करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। एम्बापे को बचपन से ही फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और एक इंटरव्यू में उनके पिता बताते हैं कि वह सारा दिन फुटबॉल खेलता रहता था और रात को सोते वक्त उसी के ऊपर सिर रख के सो जाया करता था। शुरुआती दौर की उनकी पढ़ाई कंजर्वेटरी म्यूजिक स्कूल में हुई, जहां फुटबॉल के बाद म्यूजिक उनकी दूसरे सबसे पसंदीदा हॉबी बनी। म्यूजिक और फुटबॉल के अलावा एम्बापे स्कूल के कामकाज पर बहुत ही कम ध्यान देते थे। 2004 में जब एम्बापे सिर्फ 6 साल के थे, तो उनके पिता ने उन्हें बीएस वांडी फुटबॉल एकेडमी में एनरोल किया, जहां एम्बापे ने अपने पिता की कोचिंग के अंडर अपना पूरा फोकस फुटबॉल को देना शुरू कर दिया। बचपन से ही एम्बापे एक महान फुटबॉलर बनने की कला और जज्बा उनमें था। उनके खेलने का अंदाज और कला सबसे अलग थी। बचपन के उनके एक कोच एंटोनियो रिकार्फी कहते हैं कि उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था जो सबसे अलग था। वह कहते हैं कि 15 साल के उनके कोचिंग करियर में उन्होंने इतना महान खिलाड़ी कभी नहीं देखा। एम्बापे खेलने का और उनके खेलने का अंदाज सबसे अलग था। वह पेरिस में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स को जानते थे, लेकिन एम्बापे के जैसा कोई नहीं था। फ्री टाइम में इवेंट्स और पार्टीज में जाने की बजाय एम्बापे के पेरेंट्स उन्हें बड़े बड़े फुटबॉल आइकॉन से मिलाते थे, जिसका एम्बापे के करियर पर काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। उनके पिता उनके कोच के साथ साथ सबसे उनके अच्छे दोस्त भी थे और उन दोनों के बीच हमेशा फुटबॉल पर डिस्कशंस होती रहती थी। एम्बापे जब टीनेज में पहुंचे तो पिता विल्फियर समझ गए कि अब वो समय आ गया है जब एम्बापे इस एकेडमी को शोर बड़ी एकेडमी में जाना होगा। रेनिस फुटबॉल क्लब ने एम्बापे को ट्रायल के लिए बुलाया, जो कि एक अंडर-19 टूर्नामेंट के रूप में होता था, जिसमें एम्बापे ने अकेले अपने दम पर पूरी टीम को जिता दिया। टूर्नामेंट के बाद एम्बापे रेनिस फुटबॉल क्लब के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी बन गए और उनके कुछ आदमी एम्बापे के घर भी गए और उन्हें बहुत बड़े ऑफर्स दिए, लेकिन वो उनके पिता को मनाने में नाकामयाब रहे। इसके बाद एम्बापे फ्रेंच नेशनल फुटबॉल स्कूल चले गए, जहां कंट्री के बच्चों को सबसे बेस्ट ट्रेनिंग दी जाती थी। 12 साल के एम्बापे
क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बहुत बड़े फैन थे और उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन शायद ही रोनाल्डो ने सोचा होगा कि उनका एक फैन एक दिन उनके ही खिलाफ खेलेगा और पूरी दुनिया का दिल जीतेगा। 2018 में पेरिस सेंट जर्मेन क्लब ने उन्हें 180 मिलियन यूरो में खरीदा, जो कि किसी यंगस्टर को मिलने वाला एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्राइस था। और इसी साल 2018 में रशिया में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे को टीम में चुना गया, जहां वर्ल्ड कप फाइनल में पेले के बाद गोल करने वाले दूसरे सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी बने और वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मेसी और रोनाल्डो के बाद अब एम्बापे फुटबॉल जगत के नए बादशाह होंगे, जिसका सबूत पूरी दुनिया ने बीते दो दिन पहले कतर में हुए फीफा वर्ल्ड कप में देखा, जिसमें एम्बापे ने सबसे ज्यादा गोल करके गोल्डन बूट का खिताब जीता और फाइनल में लगातार 3 गोल करके इतिहास रच दिया। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में एम्बापे का कौन सा गोल आपका फेवरेट था, नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।